राम जन्मभूमि का मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा हमने सोचा है दिसंबर अथवा जनवरी में करेंगे, जैसी तिथि मुहूर्त के हिसाब से निकलेगी। कौन करेगा ये अभी सोचा नहीं। राष्ट्रपति भी आ सकते हैं, देश का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, संत महात्मा हो सकते हैं, हमने अभी कुछ सोचा नहीं और इतनी जल्दीबाजी हम करेंगे नहीं। राम मंदिर बन जाने के बाद क्या अब आप लोग की मुहिम में अगला मंदिर ज्ञानव्यापी होगा या श्री कृष्ण भूमि होगा? हम एक बड़े देश के जिम्मेदार संगठन के कार्यकर्ता हैं, सामान्य नागरिक एक कदम जब ठीक से जम जाता है तब अगला कदम बढ़ाता है, जो जल्दीबाजी करते हैं वो फिसलते रहते हैं। आज यहाँ गिर गए, कल वहाँ गिर गए, सॉरी बोलती ज़िंदगी कट जाती है, सॉरी सॉरी बड़ी गलती हो गई, सॉरी बड़ी गलती हो गई। एक कार्य हाथ में लिया, समाज 450 साल से लड़ रहा था, 37 साल से संगठन इस काम में लगा है, किसी कार्य को हल करना, लंबी समस्या को हल करना ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, इसलिए एक कार्य को संपन्न करेंगे। उसके बाद जो टीम आएगी उसमें जोश कितना है, बुद्धिमानी समझदारी कितनी है, भगवत की प्रेरणा कितनी है, ये निर्णय तब होगा। मंदिर बहुत अच्छा बन रहा है, 3 मंजिला है, 392 खंभे हैं, लंबाई लगभग 350 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है, गर्भगृह के शिखर की ऊंचाई 161 फीट है, जमीन से लगभग 21 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है, 21 फीट की ऊंचाई पर, 21 फीट ऊंचा उसका चबूतरा है, उसमें लोहा नहीं है, पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबा इस्तेमाल किया गया है, उसमें ईंट गारे का काम नहीं है, खंभे पत्थर के, खंभों के ऊपर बीम पत्थर के, बीम के ऊपर छत पत्थर की, ये पत्थर हल्के गुलाबी रंग का है, राजस्थान का, भरतपुर जिले का है, गर्भगृह राजस्थान के मकराना का सफ़ेद रंग का मार्बल है, भगवान राम के 5 वर्ष का स्वरूप, 5 वर्ष आयु का स्वरूप उसकी मूर्ति बनाकर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही की जाएगी, 5 वर्ष की आयु के स्वरूप का मूर्ति बनना प्रारंभ हो गया है।